एनसीसी भर्ती एंट्रेंस एग्जाम क्विज टेस्ट फर्स्ट, टोटल 25 क्वेश्चन होगा इस क्लास में, तो पूरा क्लास कीजिएगा और डेली शाम में ये क्लास 8:05 पर होती। और जब आप एनसीसी ज्वाइन कर लोगे तो आपकी क्लास डेली शाम में 7 बजे होती है और सुबह में 8 बजे, तो आप लोग टाइम से क्लास करेंगे। जो लोग नए हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट। सभी को जय हिंद। फर्स्ट क्वेश्चन है, एनसीसी का फुल फॉर्म लिखे, नेशनल क्रेडिट कोर, नेशनल कैडेट कोर, नेशनल कैडेट कोर, नॉन कैडेट कोर। तो फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए तभी आप सही बता पाएंगे। स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन में मात्र 5 सेकंड जो आपका टाइम इधर चल रहा है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, नेशनल कैडेट कोर। सेकंड, वायुसेना का वायुसेना दिवस कब मनाते हैं? 8 अक्टूबर को, 4 दिसंबर को, 15 जनवरी को, 26 जनवरी को। ऑन व्हिच डेट वी सेलिब्रेट एयर फोर्स डे? करेक्ट आंसर ऑप्शन है 8 अक्टूबर को। थर्ड, एनसीसी का मोटो क्या है? शांति और सत्य, एकता और अनुशासन, अहिंसा और धर्म, एकता और सत्य। व्हाट इज द मोटो ऑफ एनसीसी? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, एकता और अनुशासन। फोर, भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, श्री धर्मेंद्र प्रधान, मौलाना अबुल कलाम आजाद, रमेश पोखरियाल। हु इज द प्रेजेंट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, श्री धर्मेंद्र प्रधान। ये सब सर्च कर लेंगे, करंट अफेयर से मोस्ट वी है। फिफ्थ, एनसीसी की स्थापना कब हुई थी? 16 जुलाई 1948 को, 16 अप्रैल 1948 को, 15 जुलाई 1948 को, 15 अप्रैल 1948 को। वेन वाज एनसीसी एस्टेब्लिश? गूगल पे आप लोग सर्च करते हैं तो 16 अप्रैल देता है, बट वो गलत है, ठीक है? आप लोग ये याद करेंगे जो मैंने आपको बता रखा है, इसी पे नंबर मिलेगा। ये होगा 16 जुलाई 1948 को और यही सही है। सिक्स, भारत में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है? 2808, 2908, 2809, 2909। व्हाट आर द नंबर ऑफ स्टेट एंड टेरिटोरी ऑफ इंडिया? करेक्ट आंसर ऑप्शन है 2808। ये सब करेंट अफेयर से सर्च कर लिया करेंगे। सेवन, थल सेना दिवस कब मनाते हैं, यानी आर्मी डे? 8 अक्टूबर को, 4 दिसंबर को, 15 जनवरी को, 26 जनवरी को। लिमिट टाइम में आंसर आना चाहिए और टेस्ट पूरा देना, और लास्ट में कमेंट करके बताना कितना सही किया। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, 15 जनवरी को। एट, BOI का फुल फॉर्म लिखे, बैंक ऑफ इंडोनेशिया, बैंक ऑफ इंडिया, बोर्ड ऑफ इंडिया, बैंकर्स ऑफ इंडिया। फुल फॉर्म ऑफ BOI, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, बैंक ऑफ इंडिया। नाइन, भारत के थल सेना अध्यक्ष का नाम लिखे, जनरल बिपिन रावत, जनरल मनोज पांडे, श्री राजनाथ सिंह, जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। हु इज द प्रेजेंट आर्मी चीफ ऑफ इंडिया? सभी का परफेक्ट होना चाहिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, जनरल मनोज पांडे। टेन, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहां हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में, 16 अप्रैल 1919 को अमृतसर में, 13 अप्रैल 1920 को अमृतसर में, 16 अप्रैल 1920 को अमृतसर में। इसमें दो क्वेश्चन है, ऑप्शन दिया गया कब और कहां। करेक्ट आंसर ऑप्शन है 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में। 11, आर्मी का सबसे बड़ा रैंक बता, कैप्टन, सिपाही, फील्ड मार्शल, जनरल। इसका भी आंसर गूगल पे देता है फील्ड मार्शल, बट वो गलत है, अब वो नहीं होता क्योंकि कोई अब फील्ड मार्शल नहीं बनता। तो आप लोग पढ़ के आएंगे होमवर्क, डी होगा जनरल। 12, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? गोवा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, सिक्किम। और पढ़ेंगे कहाँ से आप, तो प्ले स्टोर से। आप लोग प्ले स्टोर से तेजस एनसीसी आर्मी, इस नाम से मैंने ऐप लॉन्च किया है जहाँ पर सारा नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट है, इस ऐप को डाउनलोड कर लेंगे और वहाँ से पढ़ के आएंगे। तो सबसे कम जनसंख्या सिक्किम की है, डी वाले सही है। 13, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? बिहार, उत्तर प्रदेश, मुंबई, दिल्ली। अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। 14, स्वस्थ मनुष्य का हृदय की धड़कन 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 78 बार, 72 बार, 70 बार या 75 बार। मतलब एक हेल्दी पर्सन का हार्ट बीट 1 मिनट में कितनी बार बीट करता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, 72 बार। 15, इसरो का पूरा नाम लिखे,
इंडियन स्पाइस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिकॉर्ड ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ओरिएंटेशन। फुल नेम ऑफ इसरो, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। 16, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग का नाम बताइए, बेरी बेरी, अश्कर्वी, रेबीज, प्लेग। विच डिजीज कॉज्ड ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन सी। 25 क्वेश्चन है, पूरा क्लास करना, बी होगा अश्कर्वी। 17, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, रेबीज, अश्कर्वी, सूखा रोग, बेरी बेरी। ऑल इंडिया में सेम क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और ये सारे भर्ती में पूछे गए हैं ओरिजिनल। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी सूखा रोग। 18, कारगिल विजय दिवस कब मनाते हैं, 16 दिसंबर को, 24 जुलाई को, 26 जुलाई को, 26 दिसंबर को। ऑन विच डेट वी सेलिब्रेट कारगिल विक्ट्री डे। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 26 जुलाई को। 19, सबसे ज्यादा साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, बिहार, केरल, उत्तराखंड, दिल्ली। सबसे ज्यादा साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, मतलब पढ़ा लिखा राज्य, ऑप्शन बी केरल। 20, भारत की राष्ट्रीय पक्षी का नाम बताएं, कबूतर, बाज, मोर, तोता। राइट द नेम ऑफ नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी मोर। 21, भारत का राजकीय प्रतीक क्या है, अशोक चक्र, तिरंगा झंडा, अशोक का पेड़, अशोक स्तंभ। नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया, ये सब आपको आना चाहिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी अशोक स्तंभ यानी अशोक पिलर। 22, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है, जनगण मन, वंदे मातरम, सारे जहां से अच्छा, अरे मेरे वतन के लोगों। नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी वंदे मातरम। 23, विजय दिवस कब मनाते हैं, 16 दिसंबर को, 5 सितंबर को, 26 जुलाई को, 15 अगस्त को। ऑन विच डेट वी सेलिब्रेट विक्ट्री डे। करेक्ट आंसर ऑप्शन है 16 दिसंबर को। 24, भारत के वर्तमान विदेश मंत्री कौन है, सुषमा स्वराज, प्रणब मुखर्जी, श्रीमती निर्मला सीतारमण, डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। हु इज द प्रेजेंट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, करेंट अफेयर से सर्च कर लेना। 25, लास्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है, आम का पेड़, पीपल का पेड़, अशोक का पेड़, बरगद का पेड़। विच इज द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया, सबका सही होना चाहिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी बरगद का पेड़ यानी बनियान ट्री। तो आज के विनर कौन कौन है कमेंट करें, किसका 25/25 सही है, आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन। डेली ये क्लास 8:05 पर टाइम से करेंगे, और जब आप NCC ज्वाइन करेंगे तो 7 बजे क्लास होती है शाम में, सुबह में 8 बजे टाइम से करेंगे। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से ग्रुप ज्वाइन कर लो। प्ले स्टोर से तेजस NCC ऐप डाउनलोड करके वहाँ से पढ़िएगा, और चैनल सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्विज टेस्ट 2 में कल शाम 8:05 पर। अभी के लिए इतना, सभी को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।